नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किशनगंज जीके ग्रुप में। आज दिनांक 15 अप्रैल 2020 और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। और आज की करंट अफेयर्स की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करें और डाउनलोड कर सकते हैं और सभी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में COVID-19 के कारण आने वाले वेतन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए किस कक्ष को स्थापित किया गया? इसका आंसर है 20 निरीक्षण कक्ष। अब यह कक्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है। तो बात करते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है इस और वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार हैं। अब बात करते हैं ये श्रम कक्ष के बारे में। श्रम कक्ष जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा पूरे भारत में मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत खोला गया है। इसका मेन उद्देश्य श्रमिक मजदूरों की मजदूरी संबंधी शिकायतों का समाधान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में COVID-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी की क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर केरल। अब इस क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत केरल में हुआ तो बात करते हैं केरल के। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अब बात करते हैं ये उपचार कैसे, इसमें प्लाज्मा थेरेपी है। हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है, जब भी किसी COVID-19 के मरीज में के प्लाज्मा को निकाल करके अन्य मरीजों के शरीर में ब्लड में डाला जाता है जिससे उसका उपचार हो सकता है। इस प्लाज्मा थेरेपी की सबसे पहली शुरुआत चीन में हुई, उसके बाद अमेरिका में, उसके बाद अपना देश भारत में इसका ट्रायल शुरू हो गया। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन लोग शामिल है। इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा तिरुनुवल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको अपनाया जा रहा है। दोस्तों आज के वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स, 100 कमेंट्स एंड 100 शेयर का, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूं और भी अच्छे तरीके से कंटेंट्स आपको दे सकूं ताकि आपके आने वाले अगले एग्ज़ाम की तैयारी और भी अच्छे तरीके से हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो रहा है, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। हाल ही में TIFR, IISc और TMC ने मिल करके किस पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर है कोविड ज्ञान। बात करते हैं ये कोविड ज्ञान का मेन उद्देश्य क्या है। COVID-19 महामारी के वैज्ञानिक और तथ्यात्मक पहलू की जानकारी को इकट्ठा करना और लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाना। अब बात करते हैं ये TIFR का पूरा नाम क्या है। TIFR का फुल नाम टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, IISc का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, TMC का टाटा मेमोरियल सेंटर, इन तीनों के द्वारा इस कोविड ज्ञान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर के कोवल कैट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? इसका आंसर है NIC, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। अब ये नीति आयोग और NIC के बीच में साझेदारी हुई है तो बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, मुख्यालय नई दिल्ली और वर्तमान CEO अमिताभ कांत। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अब बात करते हैं NIC के। NIC के का पूरा नाम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है। इसकी स्थापना 1976 में हुई। NIC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और NIC के महानिदेशक नीता वर्मा हैं। अब बात करते हैं इस मिशन की, कोलैब कैट की। यह मिशन अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। इस सॉफ्टवेयर का मेन उद्देश्य 2D ड्राफ्टिंग एंड डिलेटिंग को 3D प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना। अब बात करते हैं इस सॉफ्टवेयर की। यह सॉफ्टवेयर अटल टिकरिंग लेबोरेटरी के द्वारा पूरे विश्व भर में 500 स्कूलों में 3D डिजाइनिंग को बनाने के लिए छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसके डिजिटल स्टेथोस्कोप AYUSYNK आयु सिंक बनाया गया है? इसका आंसर है IIT मुंबई के द्वारा।
अब देखते हैं ये इस स्टेथोस्कोप के बारे में। ये सामान स्टेथोस्कोप को डिजिटल में कन्वर्ट किया गया है। इसका मेन उद्देश्य डिवाइस को मरीज की धड़कन सुनने के लिए एवं विकसित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य आयु डिवाइस आईआईटी मुंबई के स्टार्टअप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी उष्मायन केंद्र बीईटीआईसी के द्वारा विकसित किया गया। अब बात करते हैं आईआईटी मुंबई की। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसके वर्तमान निदेशक सुभाषिश चौधरी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में M.B. राजशेखरन का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका आंसर है वे एक राजनेता थे। अब बात करते हैं M.V. राजशेखरन की। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और ये राजशेखरन मनमोहन सिंह सरकार में योजना आयोग में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 14 अप्रैल। अब बात करते हैं वर्ल्ड चगास डिजीज डे, विश्व चगास रोग दिवस। ये एक तरह का टिड्डी, एक तरह का कीटाणु रोग होता है। यह पहली बार 14 अप्रैल 2020 यानी कल मनाया गया। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा मनाया गया है। इसका मेन उद्देश्य कीड़ों के द्वारा होने वाले रोगों से लोगों को जागरूकता फैलाना। अब यह दिवस WHO के द्वारा मनाया जा रहा है, तो बात करते हैं WHO की। इसका पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक टेड्रोस एडेनोहम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अशोक देसाई का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका आंसर पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। अब बात करते हैं अशोक देसाई की। इन्होंने अटॉर्नी जनरल का पद मई 1996 से 1998 तक किया था और ये सॉलिसिटर जनरल दिसंबर 1989 से 1990 तक इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। इनको अपने इसके पुरस्कार के लिए 2001 में पद्म भूषण तथा कानून पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में COVID-19 के आर्थिक प्रयासों से निपटने के लिए UNIDO और किसके बीच समझौता हुआ है? इसका आंसर है कट, CUTS। अब देखते हैं ये कट का पूरा नाम कंज्यूमर यूनिट एंड ट्रस्ट सोसाइटी, ये भारत की एक संस्था है। इसकी स्थापना 1983 में हुई। इसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान के बीच में है और इसके महासचिव प्रदीप एस मेहता हैं। अब बात करते हैं UNIDO, इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र उद्योग विकास संगठन। इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके महानिदेशक LI Yong हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने COVID-19 से निपटने के लिए लॉकडाउन को कब तक बढ़ाने का ऐलान किया? इसका आंसर है 3 मई 2020 तक। पहली बार भारत में पहली बार लॉकडाउन 25 मार्च 2020 को हुआ था और दूसरी बार 14 अप्रैल 2020 को पुनः घोषणा हुआ है कि 3 मई 2020 तक लॉकडाउन बना रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ऋषिकेश के एम्स ने किसके साथ मिलकर के भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की? इसका आंसर है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब बात करते हैं भेल की। भेल की स्थापना 1954 में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके वर्तमान MD एंड CEO M.V. गौतम है। अब बात करते हैं इस दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली की। इसका मेन उद्देश्य है COVID-19 रोगियों की निगरानी करना, उनको निरंतर देखभाल करना एवं समय समय पर उनके समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यस बैंक ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर अपनी पहली व्यावसायिक साझेदारी का विस्तार किया? इसका आंसर है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ। बात करते हैं यस बैंक की। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान MD एंड CEO प्रशांत कुमार है। अभी 18 मार्च को ही यस बैंक पर पाबंदी पूरी तरीके से RBI ने हटाई है। अब बात करते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की। इसकी स्थापना 2000 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान MD एंड CEO प्रशांत त्रिपाठी हैं। अब बात करते हैं यह करार 5 सालों के लिए हुआ है। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 11 अप्रैल को।
अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। हाल ही में किसे आईएमएफ ने बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया है? आपके पास चार ऑप्शन है, चार के चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ जरूर लिखें। ये रहे आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मुझे पूरा भरोसा होगा आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया है, इसीलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो मिलते हैं कल के करेंट अफेयर्स की वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।